एवरीवन, वेलकम टू महिंद्रा ग्रुप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर क्लासेस में। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं 6 दिसंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। सेशन की बात करें तो सेशन बिल्कुल कह सकते हैं धमाकेदार होने वाला है। गाइज, आज के सेशन में मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट 17+ न्यूज यहां पर डिस्कस हम करने जा रहे हैं। 17+ न्यूज की बात करें उसमें जीसैट भी, सैटेलाइट की भी बात होगी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की भी बात होगी, कुछ इनॉग्रेशन भी मोदी जी जल्दी करने वाले हैं उसकी भी बात होगी, और ओवरऑल बहुत अच्छा कह सकते हैं आज का सेशन रहने वाला है। आज की बात करें तो गाइज, आज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, कुछ कह सकते हैं कि बिल्कुल अलग तरीके से, जो कि पहली न्यूज रिलेटेड भी रहेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम, फिर दोबारा से बता देता हूं सेशन कैसे रहेगा। स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे लास्ट सेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज बेस्ड जितने भी एमसीक्यू उनका, देन फिर हम चलेंगे आज के सेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। फिर एक स्टेट चाहे यूनियन टेरिटरी जो आज है, आज हम लक्षद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे, यूनियन टेरिटरी के बारे में, देन फिर स्टैटिक क्वेश्चन, देन फिर आज के सेशन बेस्ड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं उनका डिस्कशन होगा। फटाफट से आप सभी से एक रिक्वेस्ट है भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, लिंक को कॉपी करिए, शेयर कर दीजिए फटाफट जहां जहां तक आप जुड़े हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां तक जुड़े हैं भैया वहां तक फैला दीजिए कि भैया अपना सेशन स्टार्ट हो चुका। स्टार्ट करते विद द वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल के साथ। इन विच सिटी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बियर्स हैज बीन स्टार्टेड। किस शहर में भालू पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है? सर, ये आपके ही शहर में शुरू हुई है, उसका नाम है आगरा। आगरा में बात करते हैं तो गाइज, भालू पर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, कल हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी सिर्फ रिविजन के तौर पर अपना आंसर बनता है आगरा। अगला सवाल, टेक्नोलॉजी में जूम कर दीजिए। महेश्वरी चौहान की बात करें, शी हैज रिटेन्ड हर वुमेन्स स्की टाइटल एट द 62nd नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कॉम्पिटिशन फॉर शॉटगन इवेंट इन जयपुर। शी इज फ्रॉम विच स्टेट? महेश्वरी चौहान की बात करें, इन्होंने जयपुर में 62वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में शॉटगन प्रतिस्पर्धा में अपना जो महिला स्कीट का खिताब है उसे बरकरार रखा है। सवाल यहां पर यह है कि जो महेश्वरी चौहान है किस स्टेट से, तो आंसर याद रखना है ये राजस्थान से। कल यहां पर हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, बट याद रखेगा इसलिए कहां से, राजस्थान से। अगला सवाल, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन, जरा ध्यान सुनिएगा, कौन अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के जजों की समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? सर आंसर टिक करेंगे हम यहां पर पवन सिंह। पवन सिंह की बात करेंगे, पवन सिंह अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के जजों की समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला सवाल सुनिएगा भाई बड़े ध्यान से, किस बैंक के साथ भारत सरकार ने उड़ीसा में कौशल विकास पारितंत्र को बेहतर बनाने और भुवनेश्वर में वर्ल्ड स्किल सेंटर स्थापित करने के लिए $85 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? मेरी बात को सुनिएगा, किस बैंक के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समझौता किया है कि उड़ीसा में एक वर्ल्ड स्किल सेंटर बनाया जाएगा और इसके लिए टोटल अमाउंट दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है यहां पर $85 मिलियन यहां पर दिया जा रहा है। तो सर टिक कर दीजिए यहां पर ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। ताके हिको नगाव इसके हेड है, जापान के हैं, हेडक्वार्टर की बात करें मनीला फिलीपींस है। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं करेगा, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पहला लिखा हुआ है कि जो रविंद्र कुमार वर्मा है वो बने हैं, उन्होंने यहां पर कार्यभार संभाला है एज अ मेंबर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट टू कहता है कि जस्टिस जो मंजुला चेल्लूर है, जो इस APTEL की चेयरपर्सन है, उन्होंने इन्हें शपथ दिलाई थी, तो ये भी ठीक है। राजकुमार सिंह की बात करें, मिनिस्टर ऑफ पावर भी है, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी है, आरा बिहार इनका निर्वाचन क्षेत्र है, तो तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर ट्रू बनेंगे, तो ऑल आर ट्रू के साथ हम यहां पर जाएंगे। अगला सवाल सुनिएगा, किस शहर में इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2018 आयोजित हुआ है? किस शहर में इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2018 का आयोजन हुआ है, क्या आयोजित हुआ? तो आंसर बनता अपना ऑप्शन नंबर 4 न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2018 का आयोजन रहा। अगला सवाल, किसको फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया, वित्त सचिव कौन बने? और फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। Who has been appointed as the finance secretary? So guys, answer बनेगा अपना ऑप्शन नंबर 1, A.N. Jha has been appointed as the finance secretary. अगला सवाल, एक सिन्यू मैत्री 18 एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है भारत की, किस देश के साथ? आगरा में। क्या बात है सर, आगरा ही आगरा छाया हुआ है भैया, समझ लीजिए आगरा में बियर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है, आगरा में एक्सरसाइज भी हुई है, एयरफोर्स स्टेशन जो आगरा है, सिन्यू मैत्री 18 वहीं पर ही ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है, और ये भारत की और जापान की, याद रखिएगा भारत की और जापान की है। अगला सवाल, किसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया यस बैंक के, और वो उनका टेनर रहेगा 5 साल का? किसको यस बैंक के 5 वर्ष के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? सर आंसर टिक कर दीजिए यहां पर ऑप्शन नंबर 1 TS विजयन की यहां पर हम बात करेंगे। TS विजयन हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द यस बैंक फॉर 5 ईयर।
अगला सवाल, गौतम गंभीर ने अभी अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। सवाल यहां पर यह है कि वो किस स्टेट से हैं, यूनियन टेरिटरी से हैं कि किस स्टेट से हैं, हरियाणा, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। जहां तक बात है वो ये आ रही है कि अब ये पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेंगे और ये पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद बीजेपी में पार्टी में ज्वाइन करेंगे और ये दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। बट ये सारी बातें अलग हैं, जब ये डिक्लेयर कर देंगे तभी है। बट अपना जो आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर टू बनता है, ये नई दिल्ली से है। अगला सवाल इंपॉर्टेंट मार्क करेगा 11th एंड 12th क्वेश्चन को। लुका मॉड्रिक की बात करते हैं, 2018 बैलन दे ओर इनको इस खिताब को से ने नवाजा गया है। और सवाल यहां पर यह है कि लुका मॉड्रिक इज फ्रॉम विच कंट्री, लुका मॉड्रिक किस देश से हैं। तो सर टिक कर दीजिए यहां पर क्रोएशिया से, क्रोएशिया की कैपिटल जागरेब है एंड करेंसी यहां पर कूना चलती है, याद रखिएगा। ब्राजील की कैपिटल, फ्रांस की कैपिटल करेंसी, अर्जेंटीना की, रूस की, मैं वेट करूंगा आपका स्टेटमेंट। जो भी इसका आंसर बनता है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिए। अगला सवाल सुनिएगा, एडा हेजबर्ग ने महिलाओं का 2018 बैलन दी ओर जीता है और वो किस कंट्री से है। एडा हेजबर्ग हैज बैक दी 2018 बैलन दी ओर, शी इज फ्रॉम विच कंट्री। सर टिक कर दीजिए यहां पर नॉर्वे, वो कहां से है भाई, वो नॉर्वे से है। अपना ऑप्शन नंबर फिफ्थ जो बनेगा वो राइट आंसर यहां पर बनेगा। आई होप सो क्लियर होगा, दोनों ही समझ लीजिए। पहली बार किसी महिला को मिला है तो डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है। तो एडा हेजबर्ग ने क्या जीता है, 2018 वुमेन्स बैलन दी ओर जीता है, वो किस कंट्री से है, वो नॉर्वे से है। अगला सवाल सुनिएगा बड़े ध्यान से, किस स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप स्पेशल कोर्ट टू डील विद दी केसेस रजिस्टर्ड अंडर दी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट। जो भी एससी एसटी एक्ट है उसमें जितने भी केसेस रजिस्टर्ड हैं उनको डील करने के लिए, उनका रेजोल्यूशन करने के लिए यहां पर एक स्पेशल कोर्ट बनाने की बात किस स्टेट गवर्नमेंट ने करी। तो सर हम चले जाएंगे हरियाणा में, हरियाणा राज्य सरकार है जिसने कहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों अधिनियम के तहत पंजीकृत मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की जाएगी। अगला सवाल, किसने यहां पर एक डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस लॉन्च की है विजयवाड़ा से लेकर सिंगापुर तक, एट दी विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आंसर बनता है अपने जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू हैं जिन्होंने विजयवाड़ा और सिंगापुर के बीच विजयवाड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सीधी उड़ान सेवा शुरू की है। आई होप सो यहां तक क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं, देखते हैं आज के सेशन की फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। ये न्यूज एग्जैक्टली इनॉग्रेशन जो होने वाला है वो गाइज होगा 25 दिसंबर को। मेरी बात को जरा ध्यान सुनेगा, 25 दिसंबर को इनॉग्रेशन होगा भारत के सबसे बड़े रेल रोड ब्रिज का, जिसका नाम यहां पर है बोगी भील ब्रिज। मेरी बात को समझ रहे ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट इंडिया लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज बोगी भील ब्रिज ऑन 25 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को भारत के सबसे लंबे रेल रोड पुल बोगीबील पुल का उद्घाटन करेंगे। एक सवाल मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दूंगा, 25 दिसंबर को कोई ना कोई डे ऑब्जर्व किया जाता है, उस डे का नाम क्या है, क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, इसका मैं आंसर का वेट करूंगा वीडियो कंप्लीट होने के बाद। अब डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। अब आते हैं इसी को जरा डिटेल में देख लेते हैं, टेक्निकली जूम कर दीजिए, जरा ध्यान से पड़ेगा। बोगीबील बिल की बात करते हैं, बोगीबील ब्रिज है इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज रहेगा। ये डिब्रूगढ़, जो असम का डिब्रूगढ़ है, वहां से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट को कनेक्ट करेगा और इसे इनॉग्रेट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 दिसंबर को। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसकी बात करें तो इसकी टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल अगर हम बात करें तो ये 4.94 किलोमीटर का एक लॉन्गेस्ट कह सकते हैं इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल रोड कम ब्रिज रहेगा, रेल कम रोड ब्रिज रहेगा, ठीक है। और ये 32 मीटर अबव द वाटर लेवल है ब्रह्मपुत्र नदी में। और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात यहां पर करते हैं तो ये वाला पॉइंट है जो कि हमारे लिए क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा। इट विल बी द सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज इन एशिया विद द 3-lane रोड ऑन टॉप एंड डबल लाइन रेलवे ट्रैक बिलो। अब सर यहां पर ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रिज है एशिया में, तो भाई लार्जेस्ट कौन सा है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा ये फाइंड आउट करना कि लार्जेस्ट ब्रिज कौन सा है एशिया का। अगर ये सेकंड लार्जेस्ट है तो लार्जेस्ट कौन सा है, दो सवाल हो गए, 25 दिसंबर को क्या ऑब्जर्व होता है, लार्जेस्ट क्या है। तीसरी एंड लास्ट इंपॉर्टेंट बात करें कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बात करें एचडी देवेगौड़ा, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी 1997 में, बट किसी कारणवश ये आगे बढ़ नहीं पाया। बट 2002 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो उन्होंने इसके कंस्ट्रक्शन के काम का इनॉग्रेशन कर दिया था। ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा एक बार और जब 25 दिसंबर आएगा उस दिन फिर दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, क्या सोच रहे हैं आप यहां पर, क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, क्यों इन दोनों का मैं डिस्कशन यहां पर करने जा रहा हूं, दीपिका पादुकोण जी की बात करें या भाई हम यहां पर बिल्कुल बात करें सलमान जी की बात करें, तो क्यों इनका डिस्कशन करने जा रहे हैं।
कोई आइडिया, बहुत बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा कल तक ही। तो फोर्ब्स की लिस्ट की बात करते हैं और फोर्ब्स की लिस्ट में दीपिका पादुकोण टॉप फाइव में आ गई हैं। टॉप फाइव कमाई करने के मामले में टॉप फाइव में आ गई, और सलमान भाई की बात करें तो लास्ट थ्री ईयर्स से वो यहां पर टॉप ही कर रहे हैं। 2015 में शाहरुख खान ने इस फोर्ब्स लिस्ट को टॉप किया था। इंडिया की बात हो रही है हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज में, तो उसमें शाहरुख खान 2015 में टॉप पर किया था, बट 2016, 2017, 2018 से भाई अपने कह सकते हैं कि सलमान खान ही बने हुए। शाहरुख खान 2015, सलमान खान लास्ट तीन से टॉप कर रहे हैं। आते इस न्यूज को पढ़ते हैं, इसके अलावा और कौन कौन है, क्या क्या नाम है, चलिए वो देखेंगे। सलमान खान हैज टॉप्ड द फोर्ब्स इंडियाज एनुअल लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज ऑफ द ईयर। सलमान खान फोर्ब्स इंडिया की वर्ष की सबसे ज्यादा कमाई वाले हस्तियों की वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। कितनी कमाई है इनके अलावा, सेकंड पे कौन है, थर्ड पर कौन है, आते हैं टेक्निकली। फोर्ब्स के अनुसार बात करते तो यहां पर कहा गया है कि October 1, 2017 से 30 सितंबर 2018 की बात हो रही है, 30 सितंबर 2018 की बात हो रही है, इस दौरान किन्होंने सलमान खान की बात हो रही है कि 253.25 करोड़ रुपए कमाए हैं, इसकी वजह से इन्हें टॉप पर रखा गया। 2015 की बात करें शाहरुख खान टॉप पर थे, इस बार तो ये कह सकते हैं कि टॉप 10 में नहीं है। स्टार क्रिकेटर अपने भाई की बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली यहां पर सेकंड प्लेस पे बने हुए हैं। अब अक्की भाई की बात करें अक्षय कुमार की, तो ये थर्ड प्लेस पे बने हुए हैं, तो सेकंड और थर्ड प्लेस इनके नाम रहा है। इनके अराउंड इतनी कमाई है। दीपिका पादुकोण की बात करते हैं तो इकलौती महिला है कि जिन्होंने टॉप 10 में आई है, और ये फोर्थ प्लेस पे इनकी टोटल कमाई रही है 112.8 करोड़ रुपए। तो भाई कह सकते हैं कि टॉप फोर में कौन कौन है वो मैंने आपके सामने यहां पर मेंशन कर दिया। फोर्ब्स की फाउंडेशन ईयर है 1917, याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट टॉप किसने किया है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, आरबीआई कीप्स की रेट अनचेंज, मतलब समझना, कल मॉनेटरी पॉलिसी तीन दिन कमेटी, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनकी मीटिंग रही थी तीन दिन, और कल फाइनल ये आ गया कि अब हम कोई भी रेट में बदलाव करने नहीं जा रहे हैं। मेरी बात को बड़े ध्यान सुनेगा, हम कोई भी रेट में बदलाव करने नहीं जा रहे हैं। सर क्या मतलब है, पहले क्या हुआ करता था कि जो आरबीआई के गवर्नर होते थे सारी पावर उनके पास होती थी, वही रेट को डिसाइड करते थे कि भाई क्या रेपो रेट होनी चाहिए, क्या बैंक रेट होनी चाहिए, क्या रिवर्स रेपो रेट होनी चाहिए। बट क्या है कि अब एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो कि रिव्यू करती है मॉनेटरी पॉलिसी को। अब समझना क्या मैं बोलने जा रहा हूं, इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर जो होते हैं वो आरबीआई के होते हैं, गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करेगा, 3 मेंबर यहां पर किसके होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं, एंड 3 मेंबर आते हैं यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, 3 मेंबर कौन से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, एंड 3 मेंबर आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। जो आरबीआई के हैं, आरबीआई में एक तो है अपने उर्जित पटेल, दूसरे हैं विरल आचार्य, और तीसरे हैं माइकल डी पत्रा, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो हैं आपके पामी दुआ, चेतन घाटे और रविंद्र ढोलकिया। मेरी बात को जरा ध्यान सुनना, एग्जाम का सवाल है ये। रिसेंट में इंटरव्यू में भी पूछा गया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल मेंबर कितने होते हैं, हमारा आंसर होगा 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और 3 मेंबर आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन है, उर्जित पटेल गवर्नर ऑफ आरबीआई, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई की बात करते हैं तो विरल आचार्य भी इसके मेंबर है, और माइकल डी पत्रा जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो भी इसके मेंबर है। अब 3 मेंबर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो हैं पामी दुआ, चेतन घाटे और रविंद्र एच ढोलकिया। अब मेरी बात को समझना, दूसरा पॉइंट, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो एक फाइनेंशियल ईयर में 6 टाइम रिव्यू होती है। अप्रैल में होती है, फिर अप्रैल के बाद बात करते हैं जून में होगी, फिर अगस्त में होगी, फिर अगस्त के बाद फिर हम बात करें अक्टूबर में होगी, फिर दिसंबर में होगी, फिर दोबारा भाई कहां पर होगी, ये फरवरी में होगी। मतलब क्या हुआ सर, मतलब हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की जाती है, तो टोटल कितनी बार होती है, टोटल 6 टाइम रिव्यू होती है। तो ये कैसी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी, द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा, समझ में आ रहा है ना। अगर यहां 3 महीने के बाद होती तो क्या होती, क्वार्टरली मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि पहले हुआ करता था। अगर 6 महीने के बाद होती तो हाफ ईयरली मॉनेटरी पॉलिसी, अगर फाइनली हो तो भैया एनुअली होता। तो ये समझ में आ रहा है, तो बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब हुआ टोटल 6 टाइम होती है रिव्यू। अब आते मुद्दे की बात पर, ना ही रेपो रेट बदला है, ना ही रिवर्स रेपो रेट बदला है, ना ही बैंक रेट बदला है, सीआरआर भी सेम है, एसएलआर भी सेम है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी सेम है। क्या है, कैसे कैसे आते हैं, इनको देखते हैं। टेक्निकली आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ने बुधवार को कहा है कि भाई मेरे दोस्त, मेरे जरा मेरी बातों को सुन लीजिए, हम रेपो रेट को 6.5% पर रख रहे हैं। रेपो रेट कितना है, 6.5%, तो सर बैंक रेट कितना होगा, 0.25% ऐड कर दीजिए, 6.75%। रिवर्स रेपो रेट कितना होगा, पॉइंट इसमें 0.25 माइनस कर दीजिए, 6.25%। तो अपना जो रेपो रेट रहा है वो रहा है 6.5%, 6.5%, बैंक रेट 6.75% एंड रिवर्स रेपो रेट की बात करें 6.25%। यहां पर मेंशन है, देख लीजिए रिवर्स रेपो रेट कितना है, 6.25%।
जो बैंक रेट होता है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है सेम होता है 6.75%। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो 4% है। एनएसएलआर की बात करें स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 19.5%। क्या होता है कैसे होता है इन बातों का डिस्कशन हम यहां पर नहीं करेंगे। सेंट्रल बैंक ने देखिए इस वाले पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। अभी सीएसओ ने ग्रोथ रेट फोरकास्ट की कहा है कि क्वार्टर टू में इंडिया की जो ग्रोथ रेट रही है वो 7.1% रही है, 7.1%। और इसी ने कहा था कि क्वार्टर वन में इंडिया की ग्रोथ रेट रही 8.2%, तो क्वार्टर टू में गिरकर 7.1 आ गई। अब यहां पर केंद्रीय बैंक आया सामने, कहता है केंद्रीय बैंक अपना आरबीआई कि भाई पूरे ईयर में, क्वार्टर क्वार्टर नहीं खेलूंगा मैं, पूरा ईयर खेलूंगा, पूरे ईयर में इंडिया की ग्रोथ रेट इसने फोरकास्ट की 7.4%। एग्जाम में आ सकता है कि अभी रिसेंटली बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी के अनुसार आरबीआई ने भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया, तो वो आप टिक करके आएगा 7.4% यहां पर आरबीआई ने कहा है। इसके अलावा आरबीआई ने कहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो सेकेंड हाफ में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, इसमें तो इसने कहा था कि 3.8 से लेकर 4.2% तक इन्फ्लेशन रहेगा, बट इन्होंने कहा है कि जो अगला वाला हाफ ईयर आने वाला है, बड़ा क्वार्टर और बड़ी हाफ की बात करता है ये, अगला जो हाफ आने वाला है उसमें जो इन्फ्लेशन का रेट रहेगा, जो महंगाई रहेगी, वो 2.7% से 3.2% के बीच में रहने का प्रोजेक्शन किया है आरबीआई ने। एक एक पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज समझ लीजिए, इन्हें आपको याद करना है। सेशन पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए यस सर क्लियर हो रहा है, और एक बार जरा लाइक बटन में प्रेस कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की सैटेलाइट की बात होगी यहां पर, जिसको नाम दिया गया बिग बर्ड। हैवीएस्ट सैटेलाइट है जो कि लॉन्च की गई है फ्रेंच गुआना से, जिसका नाम है GSAT-11। जरा मेरी बात को समझना, इस न्यूज को समझाने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट समझाऊंगा, जरा इन पॉइंट्स को मत पढ़ना, मेरी बात को मानना। अभी जो हिंदी में लिखा है, थोड़ा चंद समय के लिए, चंद मिनटों के लिए, चंद सेकंड के लिए मेरी बात को सुन लो भाइयों, और इसको जरा पॉइंट को पढ़ना स्टार्ट करो जो यहां पर लिखा है। इन चार उपग्रहों में से GSAT, टोटल चार सैटेलाइट लॉन्च होनी है, जिनमें से कि GSAT-19 2017 में लॉन्च हो चुका है, GSAT-19 2017 में लॉन्च हो चुका है। इसी सीरीज के जो अगले उपग्रह हैं, जिसमें GSAT-29 है, GSAT-11 है, GSAT-20 है, जिनमें से GSAT-29 को 14 नवंबर को अभी कह सकते हैं कि प्रक्षेपित किया जा चुका है। अभी 14 नवंबर की बात रही, 2018 की मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था आपको, 14 नवंबर 2018 को GSAT-29 और GSAT-19 हो चुका है। GSAT की बात करें 29 ये भी हो चुका है। अब जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं उसका नाम है GSAT-11, इसे अभी कह सकते हैं भाई कल ही इसे प्रक्षेपित किया गया, इसे लॉन्च किया गया। अब जो नेक्स्ट होगा इन चार उपग्रहों में से वो GSAT-20 होगा, जो कि अगले वर्ष की मई तक लॉन्च करने की योजना है। अब इस GSAT-11 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे ये चारों सैटेलाइट लॉन्च हो जाएंगी तो कहा जा रहा है कि भारत में जो इंटरनेट स्पीड है ना वो कह सकते हैं कि भाई बहुत तेज हो जाएगी। अब बहुत तेज और वो कितनी हो जाएगी वो एक अलग बात है, बट यहां पर कि स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। अब आते हैं अपनी काम की बात पे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, 15 अगस्त 1969 को एस्टैब्लिश हुआ था, इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटका है, के सिवान इसके चेयरमैन है। ये हुआ अपना स्टैटिक पोर्शन खत्म। अब आते हैं काम की चीज पे, जो एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट है। ये GSAT जो 11 है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। एग्जाम का सवाल यही बनेगा, ये क्या है, क्या ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, क्या ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है? तो आप याद रखिएगा ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका नाम है GSAT-11। ये अब तक की सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट है और इसे बिल्ट किया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर वन दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा। इसका टोटल वेट की बात करते 5854 kg की ये सैटेलाइट है, जिसे फ्रेंच गुआना से भैया लॉन्च किया गया था। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। और टोटल इसकी जो, चाहे आप सैटेलाइट की बात करें चाहे लॉन्च फी की बात करें, जो टोटल कॉस्ट रही है 1200 करोड़ रुपए रही है। मैंने तब भी डिस्कस किया था जब 14 नवंबर को आपके साथ न्यूज डिस्कस की थी, इसकी जो टोटल कॉस्ट रहेगी वो 1200 करोड़ रहेगी। तो ये डिटेल में हम डिस्कस कर लिया। ये किस कह सकते हैं कि किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया, तो आप देख सकते हैं कि GSAT-11 की बात करें, इसके अलावा साउथ कोरियन को पैसेंजर सैटेलाइट की बात करें, तो ये यूरोपियन स्पेस व्हीकल है एरियन 5 है, उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। उसको किसके अंडर में किया गया था, इसरो के चेयरमैन के सिवान खेड़ से अंडर में किया गया था। तो भाई ये चारों सैटेलाइट है, दो पहले मैं पढ़ा चुका हूं, तीसरी अब पढ़ा दी है, चौथी जब ये मई में लॉन्च होगी अगले वर्ष तब इसको हम डिस्कस करेंगे। आई होप सो यहां तक सारे पॉइंट आपके क्लियर होंगे। अब बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। 2023 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन बुदापेस्ट हंगरी। 2023 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप बुदापेस्ट हंगरी में आयोजित की जाएगी। सर ये तो क्लियर हो गया कि 2023 की बात करते हैं, जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है वो हंगरी के बुदापेस्ट में होगी, बट इससे पहले वाले जितने भी इवेंट है वो कहां पर होंगे उनका भी तो डिस्कशन करिए। तो आते हैं जरा वन बाई वन देखेंगे, समझना। 17th, 18th, 19th, या बाय ईयर चलते हैं तो 2019, 2021 और 2023। 2019 की जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है वो दोहा कतर में होनी है।
18th वाली की बात करें, 2021 की बात करेंगे, वो आपकी ईगन यूएस में होगी, एंड जो 19th वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप वो 2023 में बुदापेस्ट हंगरी में होगी। तो गाइस तीनों ही मोस्ट रिलेवेंट बनेंगे, क्या पता एग्जामिनर 2019 का पूछ ले, 2021 का पूछ ले, 2023 का पूछ ले, तो तीनों ही आपको याद करते हुए चलना है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन की बात करें तो 17 जुलाई 1912 को इसका फॉर्मेशन हुआ। मोनेको इसका हेडक्वार्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करेगा हेडक्वार्टर को, एंड सेबिस्टियन कोए जो कि यूके के हैं वो इसके प्रेसिडेंट हैं। इसी के अलावा एक इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन से रिलेटेड एक और न्यूज है, दो न्यूज है, एक तो इवेंट हो गया, दूसरा यहां पर एक और न्यूज है, जरा इसे पढ़ते हैं। जॉन रिजॉन हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। जॉन रिजॉन को एथलेटिक महासंघों के अंतरराष्ट्रीय संघ के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। इसी की बात में कर रहा हूं यहां पर, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन की प्रेसिडेंट तो अपने सेबेस्टियन को रहे, और जो इसके सीईओ बने उनका नाम याद रखना, जॉन रिजॉन बने हैं। नेक्स्ट न्यूज गाइस, पूरा जो यहां पर 12th मीटिंग रही है ना इंडिया यूएई की, उसका पूरा का पूरा कह सकते हैं कि निचोड़ है, डिटेल में पढ़ लेते हैं। इंडिया यूएई हैव साइंड करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, भारत और यूएई ने करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब एग्जैक्टली इसके अलावा क्या क्या रहा, और एक दो एग्रीमेंट टोटल रहे थे, दूसरा एग्रीमेंट किसके लिए है, किस देश में इन्वेस्टमेंट करने की बात हो रही है, अफ्रीकन कंट्री है, कौन सा कंट्री है, एंड अपार्ट फ्रॉम बात करें करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है, यूएई की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, एंड अपार्ट फ्रॉम गाइस मीटिंग का वेन्यू क्या रहा, ये सारी बात है। इंडियन डेलीगेशन को लीड किसने किया और उधर के काउंटर पार्ट कौन थे, आते हैं वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, टेक्निकल टीम जूम कर दीजिए इसे, मेरा पॉइंट को पढ़ेगा। सबसे पहले मेंशन है 12th session of India-UAE Joint Commission Meeting for Economic and Technical Cooperation, यही हमारा टाइटल है, 12th session of India-UAE Joint Commission Meeting for Economic and Technical Cooperation, इसका वेन्यू रहा था अबू धाबी। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की बात करें इंडियन पार्ट से, बिल्कुल वो रिप्रेजेंट कर रही थी सुषमा स्वराज, यूएई उन्हीं के ही जो काउंटर पार्ट है फॉरेन मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान, इनसे इनकी मुलाकात रही थी। सुषमा स्वराज जी की बात करें तो इन्होंने वहां पर गांधी जायद डिजिटल म्यूजियम का अबू धाबी में इनॉग्रेशन भी किया। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एक पॉइंट, गांधी जायद डिजिटल म्यूजियम का किस शहर में सुषमा स्वराज जी ने इनॉग्रेशन किया, तो वो याद रखना अबू धाबी। यहां पर दो एग्रीमेंट रहे थे, एक तो भारत का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट रहा, और दूसरा यहां पर जो एग्रीमेंट रहा वो यहां पर रहा कि हम किसी तीसरे देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और तीसरे देश में जो इन्वेस्टमेंट करने की बात की उसमें अफ्रीकन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने की बात की है, जिसमें कि पहला कदम लिया गया है कि हम एक आईटी सेंटर बनाएंगे कहां पर, इथोपिया में। समझना मेरी बात को, दो एग्रीमेंट रहे, एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट रहा और दूसरा एग्रीमेंट रहा यहां पर कि हम अफ्रीकन कंट्री में एक आईटी सेंटर बनाएंगे, और उस अफ्रीकन कंट्री का नाम है यहां पर इथोपिया। इथोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा, करेंसी यहां पर बिर चलती है, और अपने यूएई की बात करें यहां पर कैपिटल यूएई की, भाई जरा कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूएई एंड व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूएई, यूएई की कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है। अब जरा समझना भाई, इंडिया यूएई की बात करें, उन्होंने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है। करेंसी स्वैप एक तरीके का समझौता होता है जिसमें कि दो देश एक दूसरे को अलाउ करते हैं कि ट्रेडिंग इन देयर ओन करेंसी, मतलब इंडिया अपने रुपए में करेगा और यूएई किस में करेगा, यूएई की कैपिटल क्या है, अबू धाबी, करेंसी यहां पर दिरहम चलती, तो वो दिरहम में करेगा, और कि जो भी इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट किया जाएगा ना वो भी किस में होगा, या तो रुपी में होगा या तो भैया दिरहम में होगा। अब ये जो डॉलर पे डिपेंडेंसी वो यहां पर खत्म हो जाएगी। आई होप सो गाइस क्लियर होगा, क्लियर है कमेंट बॉक्स में लिखना, यस सर क्लियर होता चल रहा है, मैं एक एक न्यूज को खोद कर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं जिससे कि कुछ भी यहां पर बचे नहीं। आई होप क्लियर होगा, जरा कमेंट बॉक्स में लिखते चलेगा यस सर क्लियर होता चल रहा है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड सॉइल डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 5th दिसंबर। विश्व मृदा दिवस प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम है बी द सॉल्यूशन टू सॉइल पॉल्यूशन। अगर हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम भी लॉन्च किया कि रेगुलर बेसिस पे जो भी मृदा होती है, जो सॉइल होती है उसकी प्रोडक्टिविटी को चेक किया जा सके। अपने देश में बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है कि जहां पर खेतों में, अगर हम और कंट्रीज के कंपैरिजन बात करें तो जितना एरिया इंडिया का लें और एक्स वाई जेड एरिया वहां का लें तो वहां पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा और इंडिया में प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं है। तो कह सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि प्रोडक्टिविटी को देखने के लिए और सॉइल की क्वालिटी को रेगुलर बेसिस पर चेक करने के लिए इस दिन को ऑब्जर्व भी किया जाता है। और ओवरऑल ग्लोबली बात करें तो वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाते हैं और इसकी जो थीम रही है बी द सॉल्यूशन टू द सॉइल पॉल्यूशन, बी द सॉल्यूशन टू द सॉइल पॉल्यूशन। अपार्ट फ्रॉम कुछ चंद बातें हैं उनको जरा देखेंगे। टेक्निकली इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस की बात यहां पर करते हैं, उन्होंने 2002 में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, कहा था कि 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे बनाएंगे।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस रही थी 2013 में, उन्होंने भी सर्वसम्मति से ये कहा कि हम वर्ल्ड सॉयल डे मनाना स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर रिक्वेस्टेड की थी कि भाई 69 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि हमें मनाना चाहिए। तो 2013 आते आते यूनाइटेड नेशन ने भी इसे अडॉप्ट कर लिया कि अब 5 दिसंबर को हम वर्ल्ड सॉयल डे मनाएंगे। अब इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के भी फैक्ट आपको याद रखने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के भी रखने हैं, ये तो मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ, बट ये एक नया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोयल साइंस, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया। रतन लाल की बात करेंगे, ये प्रेसिडेंट है, इन्फॉर्मेशन ईयर है 1924, न्यू है इसलिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट बनेंगे इसके। नेक्स्ट गाइज, रवीजा सिंगल हैज बिकम द यंगेस्ट एशियन वुमेन टू वॉन द आयरन मैन टाइटल एट द बुसेल्टन ऑस्ट्रेलिया। रवीजा सिंगल ऑस्ट्रेलिया के बुसेल्टन में आयरन मैन का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई महिला बन गई है। अब सर ये किस वजह से बनी है, क्या ये साइकिलिंग के कोई सी इवेंट में थी? तो देखिए कौन कौन से इवेंट रहे थे। द इवेंट इंक्लूडेड 3.8 किलोमीटर स्विमिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग एंड 42.2 किलोमीटर रनिंग। जिम में जाने के बाद अगर भाई 15 मिनट भी साइकिलिंग कर ले तो लगता है हाँ यार, मतलब पता नहीं कौन सा पहाड़ खोद लिया। यहाँ पर देखिए 180 किलोमीटर साइकिलिंग कर ली, 3.8 किलोमीटर स्विमिंग करी है और 42.2 किलोमीटर रनिंग किया। उसके बाद कह सकते हैं इन्होंने, ये जो पूरा टारगेट था ना कि ये 17 आवर्स में कंप्लीट करने का था, बट इन्होंने फिनिश कर दिया 16 घंटे 5 मिनट और 45 सेकंड में, और ये एशिया की कह सकते हैं यंगेस्ट एशियन वुमेन बन गई जिनको आयरन मैन का टाइटल दिया गया है। आई होप सो गाइज क्लियर होगा बेहतर तरीके से। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया हैज वॉन द सिल्वर मेडल इन वर्ल्ड यूथ अंडर 16 चेस ओलंपियाड एट कोन्या टर्की। भारत ने टर्की के कोन्या में विश्व युवा अंडर 16 शतरंज ओलंपियाड में रजत पदक जीता है। सर इंडिया ने रजत पदक जीता, सेकंड प्लेस पे रहा, फर्स्ट प्लेस पे रहा उज्बेकिस्तान, उसने गोल्ड मेडल जीता था। चाइना की बात करेंगे गाइस, वह ब्रॉन्ज मेडल जीत पाए, थर्ड प्लेस पे रहा। उज्बेकिस्तान इंडिया चाइना, ऐसे याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान इंडिया चाइना। आई होप सो ये भी आपके क्लियर होगा। नेक्स्ट गाइज, चीन के परमाणु शस्त्रागार के पिता चेंग काइजिया की बात करेंगे। चेंग केजिया वाज द फादर ऑफ चाइनाज एटॉमिक आर्सेनल, हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज 101। चीन के परमाणु शस्त्रागार के पिता चेंग केजिया का हाल ही में निधन हो गया, वह 101 वर्ष के थे। ज्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ सिंपल शब्दों में ऑबिचरी है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ चाइनाज एटॉमिक आर्सेनल हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। सो गाइस आंसर बनेगा यहां पर चेंग केजिया, एक लाइन में याद रखना है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी वन लाइनर रहेगी, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टनरशिप बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूरोपीय संघ और भारत के बीच एक साझेदारी का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। एग्जाम में सवाल यहां से बनेगा कि एग्जैक्टली वेन्यू क्या रहा, व्हाट वॉज द वेन्यू ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टनरशिप बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। आंसर इज एग्जैक्टली बनेगा न्यू दिल्ली। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, जरा टेक्निकली जूम कर दीजिए। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूरोपीय संघ और भारत के बीच साझेदारी पर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ, तो अपना आंसर बनता है यहां पर नई दिल्ली। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं, उन्होंने एक नया प्रोग्राम अनाउंस किया जिसका नाम है पीट टू क्रिएट द ट्रांसपेरेंसी एंड अवेयरनेस अबाउट द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में पारदर्शिता और जागरूकता पैदा करने के लिए एक नया कार्यक्रम पीट की घोषणा की है। पीट की बात करें तो उसकी जो फुल फॉर्म बनती है, इसे अगर आप हिंदी करेंगे, हिंदी मेरे को मिली नहीं तो मैंने यहाँ पर पीट मेंशन कर दिया, कोई इसे पीठा भी पड़ेगा, बट पीट पढ़िए इसे, पीपल्स एम्पावरमेंट इनेबलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। एक्जैक्टली इसकी फुल फॉर्म बनेगी पीपल्स एम्पावरमेंट इनेबलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है उनमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, या यूं कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, या गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है लोगों को उनके बारे में अवेयर करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की जाएगी, एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, इसका नाम है पीट, और ये कौन सा स्टेट गवर्नमेंट करने जा रहा है, उसका नाम है उड़ीसा। इसके अलावा और कुछ नहीं, डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट गाइस, दिल्ली डेयर डेविल्स की बात करें, इस न्यूज को मैं बोलूं तो आज के रेलवे के एग्जाम में, मतलब आज के सिनेरियो में, अगर करंट सिनेरियो की बात करें, रेलवे एग्जाम में आ सकता है, बैंक में नहीं पूछा जाएगा, और ये यूपी लेवल पे पूछा सकता है कि हाँ भाई दिल्ली डेयर डेविल्स का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो आपको याद रखना दिल्ली कैपिटल। न्यूज मिस ना हो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि कहीं सर कह रहे न्यूज मिस हो गई, आपने पढ़ाया नहीं। तो दिल्ली डेयर डेविल्स, जो आईपीएल की बात करें, इंडियन प्रीमियर लीग की बात करते हैं, उसमें जो टीम है दिल्ली डेयर डेविल्स,
उसके यहां पर कह सकते, उसका यहां पर नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा, दिल्ली कैपिटल कर दिया, अब उसका नाम रहेगा दिल्ली कैपिटल्स। इसके कैप्टन का नाम है श्रेयस अय्यर, अभी शिखर धवन वापस आए हैं सनराइजर हैदराबाद में से, बट फिर भी वो कैप्टन नहीं है, कैप्टन यहां पर श्रेयस अय्यर रहेंगे। जो इसके कोच हैं वो कोच रिकी पोंटिंग है, सभी को पता ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैट्समैन, फॉर्मर कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो इस टीम के यहां पर कह सकते हैं कि कोच रहेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, 47th इंडियन नेवी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 4th दिसंबर 2018 अक्रॉस इंडिया। 47वां जो भारतीय नौसेना दिवस है पूरे भारत में 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो एक आप ही बताइए, एक ट्राइडेंट करके गाइज एक ऑपरेशन लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, और मैं चलिए बता देता हूं, जब भारत और पाकिस्तान की वॉर हुई थी 1971 में, तो एक ट्राइडेंट करके एक हमने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था, जिसमें जो पाकिस्तान का कराची बंदर का है उसको हमने बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया था, वहां का जो ऑयल वगैरह है सब कुछ गैस बिल्कुल खत्म कर दिया था, वहां पर जो कह सकते हैं कि रिफाइनरी वगैरह वहां पर 6 दिन तक तो इतनी तगड़ी आग लगी हुई थी कि उसको वो बुझा भी नहीं पाए थे। तो इंडिया का जो रोल रहा था, इंडियन नेवी का जो रोल रहा था उस ट्राइडेंट ऑपरेशन में, इसी वजह से इस दिन को हम कहते हैं कि किस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, इंडियन नेवी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। अब सवाल यहां पर यह बनेगा कि किस दिन को इंडियन नेवी डे के रूप में मनाया जाता है, तो वो है 4th दिसंबर। कौन सा बनाया गया तो वो याद रखना, 47th इंडियन नेवी डे बनाया गया, एग्जाम आएगा डेफिनेटली कौन सा मनाया गया, 47th इंडियन नेवी बनाया गया, क्योंकि हर किसी को ये तो पता है कि 4th दिसंबर को ऑब्जर्व होता है, बट ये कौन सा बनाया गया आपको याद रखना है कि ये 47th इंडियन नेवी डे बनाया गया था। आई होप सो गाइस क्लियर होगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करेगा इस न्यूज़ को, टेक्निकल टीम ज़ूम कर दीजिए, झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी और फिक्की एंड फिक्की हैव जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री एंगेजमेंट प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी और फिक्की ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में उद्योग एंगेजमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया है। अब अगर आपके समझ में आ रहा होगा तो एक चीज क्लियर हो रही होगी कि झारखंड में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए यहां पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, इसका नाम है इंडस्ट्री एंगेजमेंट प्रोग्राम। इसका नाम भी आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। इसे ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जा रहा है, फिक्की और झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी के द्वारा, और इसका वेन्यू क्या रहा है वो गाइज नई दिल्ली रहा है। अब आते हैं, जरा समझते हैं बातों को। इसका जो टाइटल रहा उसको नाम दिया गया इंगेज, इसी प्रोग्राम का नाम है, जरा समझना इस प्रोग्राम का नाम क्या है, यहां पर इंगेज इस प्रोग्राम का नाम है, टाइटल है द एम्प्लॉयर्स नेटवर्क फॉर जनरेटिंग एस्पायरेशनल एंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर्स नेटवर्क फॉर जनरेटिंग एस्पायरेशनल एंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, इसको इन शॉर्ट इंगेज कहा गया है। ये एक प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य है टू बिल्ड अ सस्टेनेबल लिंकेज बिटवीन झारखंड गवर्नमेंट एंड द इंडस्ट्री प्लेयर। झारखंड सरकार और जितने भी कह सकते हैं बिजनेस हाउसेस हैं या इंडस्ट्री प्लेयर हैं, उनके साथ बेहतर तरीके से लिंकेज बनाने के लिए, कि जिससे कि वहां पर उनके लिए एक तरीके से ईज हो, मतलब अगर वो बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं तो वहां पर सारी चीजें आसान हो, तो उसी को देखते हुए क्या क्या बातें रहनी चाहिए, इसको लेकर ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई स्किल इन झारखंड, स्किलिंग फॉर द फ्यूचर। फिक्की की बात कर लेते, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अ फुल फॉर्म ऑफ फिक्की, फाउंडेशन ईयर है 1927। हेडक्वार्टर की बात करें गाइस, इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर ऑफ द फिक्की, प्रेसिडेंट इज राशिद शाह एंड सेक्रेटरी जनरल इज दिलीप चिनॉय। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेगा फिक्की रिलेटेड सारे फैक्ट। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये न्यूज पुरानी है बट मिस हुई थी इसलिए यहां पर ऐड करी है, कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने दिल्ली गवर्नमेंट पे जो भी एयर पॉल्यूशन है उसको ना रोक पाने के लिए 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। मेरा सवाल आपसे यह है कि एनजीटी ने अभी इससे पहले किसी XYZ स्टेट पर भी पेनल्टी लगाई है, किस स्टेट पर कितनी पेनल्टी लगाई, जरा प्लीज वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, जरा प्लीज मुझे यहां पर बताइए कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस स्टेट पर कितने अमाउंट की पेनल्टी लगाई है, क्योंकि यहां पर जो पेनल्टी लगाई गई है वो नई दिल्ली पर 25 करोड़ रुपए की लगाई गई है, एयर पॉल्यूशन को कर्व ना करने की वजह से, या यूं कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण पर रोक लगाने में नाकाम रहने के लिए दिल्ली सरकार पर 25 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। इससे पहले किस स्टेट गवर्नमेंट पर लगाई गई है, आंसर अभी तक नहीं आया सर, भूल गए, जरा फटाफट बता दीजिए उस स्टेट का नाम क्या है, कि किस स्टेट पर यहां पर पेनल्टी लगाई गई थी। अब आते हैं जरा एनजीटी के, ओके आंसर आ चुका है यहां पर, निखिल चोपड़ा जी का, चोपड़ा जी बहुत बढ़िया आंसर देते हैं यहां पर। अगर आंसर की बात करें तो वेस्ट बंगाल है, ओके यहां पर मौनी जी आंसर आया, वेस्ट बंगाल पर 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई थी एनजीटी ने। अब दूसरे जो यहां पर यूटी बनी, एक स्टेट पढ़ ली, एक यूटी और नई दिल्ली पर भी लगाई गई है यहां पर, लेकिन 25 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई। एनजीटी रिलेटेड फैक्ट इंपॉर्टेंट, एनजीटी की बात करें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, जूम कर दीजिए भाई, 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी अंडर दी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है एंड चेयरपर्सन की बात करें आदर्श कुमार गोयल, न्यूली अपॉइंटेड है भाई, डेफिनेटली एग्जाम में बन सकता है इनका नाम भी, कि ए के गोयल या हुई इज द चेयरपर्सन ऑफ द एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन कौन है, तो याद रखिएगा ए के गोयल है, आदर्श कुमार गोयल इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल।
अगली न्यूज एंड मोस्ट न्यूज नहीं, यहां पर हम मोस्ट इंपोर्टेंट बात करेंगे अब लक्षद्वीप को। अपने ने यहां पर अराउंड 17 के लमसम न्यूज डिस्कस कर ली। आई होप सो आप सभी लोग सेटिस्फाइड होंगे अब तो, क्योंकि हम 15-15 न्यूज लमसम पर डे बेसिस पर डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी न्यूज को स्किप नहीं कर रहे। अब आते हैं लक्षद्वीप रिलेटेड फैक्ट। लक्षद्वीप की बात करें जो कि भारत की एक यूनियन टेरिटरी है, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956। कैपिटल इसका कवारत्ती, एग्जाम में आ चुका है कवारत्ती की बात करें, ये कैपिटल है। और ये जो रीजन है ये केरला हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आता है। ये सवाल बन जाता है अक्सर कि किस हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आता है कवारत्ती, तो याद रखिएगा ये जो रीजन है ये ज्यूरिडिक्शन में आता है केरला हाई कोर्ट के। इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनका नाम है फारूक खान, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इज मलयालम एंड इंग्लिश। मलयालम और इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। एक लोकसभा सीट है यहाँ पर, एक डिस्ट्रिक्ट है। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो ये सिंगल एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर लक्षद्वीप में, अगर टोटल बात करें तो एक डिस्ट्रिक्ट है। और इसे जो गवर्न किया जाता है वो किसके द्वारा यहाँ पर काम किया जाता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा किया जाता है। और इस एडमिनिस्ट्रेटर की जो नियुक्ति होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होती है, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 239 के बेसिस पर। ये एग्जाम का सवाल बन सकता है कि जो लक्षद्वीप की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होती है, वो कौन से आर्टिकल के माध्यम से इसे नियुक्त करते हैं, तो वो याद रखना आर्टिकल 239 यहाँ पर यूज होता है। 2011 की बात करते हैं, पॉपुलेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी रही है 64473। ये एग्जाम के लिए रिलेवेंट बनेगा डेफिनेटली कि 2011 के जो इंडियन सेंसस रहा था, भारतीय जनगणना रही थी, उसके आधार पर यूनियन टेरिटरी की पॉपुलेशन कितनी रही, तो 64473 यहां पर पॉपुलेशन रही है। आई होप सो गाइस यहां तक सारे फैक्ट क्लियर होंगे। इसके अलावा जितना भी आपको लगता है कि सर ये इन्फॉर्मेशन और है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में लक्षद्वीप रिलेटेड और भी फैक्ट हैं, उनको भी हम यहाँ पर ऐड करते रहेंगे। तो अभी यूनियन टेरिटरी स्टार्ट हुई है तो इतने फैक्ट अभी समझते हैं, उसके अलावा बाद में धीरे 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 और भी यहाँ पर ऐड करते रहेंगे। आई होप सो आप सभी का क्लियर होगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, बिग दिसंबर सेल आ चुकी है गाइस। सेलेक्टेड, जरा टेक्निकली जूम कर दीजिए, सेलेक्शन आपका संकल्प हमारा, यहां पर ये टैगलाइन रखी गई है। मतलब समझ रहे हैं, यहां पर कहा गया सिलेक्शन आपका और संकल्प हमारा, मतलब एसटी हम बनाएंगे और पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे आप। अभी मैं आपको एक बात बता दूं, जल्दी हम आपके लिए वीडियो लेक्चर लेकर आने वाले हैं, उसमें मैं करंट अफेयर रिलेटेड और बैंकिंग रिलेटेड टॉपिक का डिस्कशन करूंगा, और वो जल्दी स्पीड टेस्ट आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, वीडियो स्पीड टेस्ट रहेंगे, जिसमें कि बैंकिंग के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनका उसमें हम डिस्कशन करते हुए मिलेंगे। तो मेजॉरिटी में आपको डिस्कशन करते हुए वीडियो लेक्चर में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो बैंकिंग के भी मिलेंगे। बट इसके अलावा जो अपना यहाँ पर ऑफर है उसका नाम सुनिएगा, उसका नाम है यहाँ पर बिग दिसंबर सेल। ऑफर टाइमिंग की बात करते हैं तो 7 दिसंबर को ऑफर आ रहा है, कल आ रहा है, जिसमें कि सुबह 10 बजे से लेकर ये रात के 12 बजे तक रहेगा। ऑफर में क्या क्या रहेगा, कितना कितना डिस्काउंट होगा, इसकी चर्चा तो हम अलग से सेपरेट वीडियो में करेंगे। बट इसके अलावा अगर आपको खुद से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप myshop.mahindras.org पर जा सकते हैं, जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं, कल ही आप जाइएगा, विजिट करिएगा। इसके अलावा टोल फ्री नंबर की बात करें, कोई भी डाउट है तो 1800103525, इस पर भी गाइज आप जाकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कॉल करके कि हाँ हमें ये समस्या है, इनका निवारण कर दीजिए। अब बढ़ते हैं, देखते हैं फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या है। यहाँ पर चेंज नहीं किया, सिर्फ स्टेट का नाम बदला है। हरियाणा में इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है, तो सर अपना जो भिंडवास है ना वो हरियाणा में स्थित है। अब बाकी कहां पर एक बार देखिए, अब यार समझिएगा कितने स्टूडेंट को याद होने लगा है, जरा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दी यस सर मुझे याद हो रहा है, अदरवाइज मेरे लिए ऐसे कराना बेकार है, या तो फिर मैं एक ही की पकड़ूं कि हाँ इसका नाम रखूं और किस स्टेट में, बस उतने में खत्म कर दूं। अगर ऐसे याद है, अगर ऐसे बेहतर लग रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए हाँ सर ऐसे बेहतर है। टेक्निकली जूम करिएगा, भिंदवास, खपरावास, छिलचिला, अबूबशहर, सरस्वती, नहर, बीर, शिकरगढ़, खोलही, रेतन हरियाणा में है। बिंदवास, खपरावास, छिलचिला, अबूबशहर, सरस्वती, नहर, बीर, शिकरगढ़, खोली, रेतन हरियाणा, बोडला, नेत्रावली, महादी, कोटिका और सलीम अली वर्ड सेंचुरी गोवा में। सलीम अली नेशनल पार्क की बात करें वो जम्मू कश्मीर में है। किब्बर, गोविंद सागर, धौलाधार, चील और कुगती हिमाचल प्रदेश में। गुलमर्ग, हिरपुरा, जसरोता, हॉकिरसर, लचीपुरा जम्मू कश्मीर। पलामू टाइगर रिजर्व, दलमा, हजारीबाग, उद्वाल एक वर्ड सेंचुरी, सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व, ये आपकी झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट गाइस, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो कि त्रिपुरा राज्य में स्थित है, तो सर हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ, राजबरी नेशनल पार्क की बात करेंगे, ये आपका त्रिपुरा राज्य में स्थित है। इसके अलावा जरा देख लेते हैं, क्लाउडेड राजबरी त्रिपुरा है, इतानकी की बात करें नागालैंड है, नौकरेक बलफकरम मेघालय में है, खासू ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिणा वनस्थली, मृगवानी तेलंगाना में है, गौरुमारा बक्सा, न्यूरा वैली, सिंगलीला, जल्दापारा, सुंदरवन, ये आपके वेस्ट बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सेनेगल, सेनेगल की राजधानी क्या है, जरा एलिमिनेट करिए,
बुर्किना फासो की ओगाडुगू करेंसी फ्रैंक, बुरुंडी की कैपिटल बुजुम्बुरा करेंसी फ्रैंक, एंड कैपवर्दे की कैपिटल प्राया करेंसी की बात करें एस्कुडो, मोजाम्बिक कैपिटल मपूतो करेंसी मेटिकल, एंड सेनेगल का बचता है अपना ऑप्शन नंबर 5, सेनेगल की कैपिटल है डकार और करेंसी यहां पर जो चलती है वो है फ्रैंक। एक बार बॉक्स में मेथड देखिए, बुर्किना फासो ओगाडुगू फ्रैंक, बुरुंडी बुजुम्बुरा फ्रैंक, कैपवर्दे प्राया एस्कुडो, मोजाम्बिक मपूतो मेटिकल, सेनेगल डकार फ्रैंक। आई होप सो ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट गाइज, अब नेशनल साइंस डे कब आता है सर? 24 जनवरी की बात करो तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे आता है, 25 जनवरी की अगर हम बात करें नेशनल वोटर्स डे आता है, 4 फरवरी को आता अपना वर्ल्ड कैंसर डे आता है, 20 फरवरी वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे आता है, एंड 28 फरवरी की बात करेंगे इसी दिन को हम नेशनल साइंस डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 5 यहां पर अपना सही आंसर बनेगा। आई होप सो गाइस यहां तक सारे पॉइंट आपके क्लियर होंगे। एक बार बॉक्स मेथड देख लीजिए, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी, वर्ल्ड कैंसर डे की बात करें 4 फरवरी, एंड वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे की बात करें ये 20 फरवरी को ऑब्जर्व होता है, एंड नेशनल साइंस डे की बात करेंगे 28 फरवरी को ऑब्जर्व होता है। लगता है यहां तक तो सब रट गया होगा। नेक्स्ट गाइस, पहला सवाल, यंगेस्ट एशियन वुमेन कौन सी बनी है जिनको आयरन मैन का टाइटल दिया गया बुसेल्टन ऑस्ट्रेलिया में? तो आंसर बनता अपना ऑप्शन 1, रवीजा सिंगल। अगला सवाल सुनिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? 2019 वर्ल्ड कप की बात, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की बात करें दोहा कतर में होगा, 2021 की बात करिए ये आपका जो रहेगा यूजे ने यूएस में रहेगा, एंड 2023 की बात यहां पर करेंगे, 2023 की बात करेंगे तो ये आपका बुदापेस्ट हंगरी में रहेगा। तो यहां पर 2023 की बात हो रही है, 2021 लिखा रहेगा, 2023 की बात करें तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप बुदापेस्ट हंगरी में होगी। तो यहां पर तीनों ही स्टेटमेंट आपके ट्रू बनते, ऑल आर ट्रू, ऑल आर ट्रू मतलब ऑप्शन नंबर 5 विल बी अ राइट आंसर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इंडिया यूएई हैव साइंड करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, मान लिया बिल्कुल दोस्त हुआ है। सेकंड एग्रीमेंट की बात करेंगे, दोनों ही देशों को ये एनेबल करेगा कि वो इथोपिया में एक आईटी सेंटर ओपन कर सकते हैं, ये भी बेहतर है, क्लियर है। सुषमा स्वराज की बात करें, इन्होंने इनॉग्रेट किया था गांधी जायद डिजिटल म्यूजियम इन अबू धाबी, तो तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहां पर हम जाएंगे ऑल आर ट्रू के साथ ऑप्शन नंबर 5 यहां पर भी अपना राइट आंसर बनेगा। तो भाई सी यहां पर रॉन्ग नहीं है, सी यहां पर 2023 कर देंगे तो ये भी अपना सही हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में देखिए 2023 लिखा है, तो सी भी अपना राइट आंसर है। तो ऑल आर ट्रू के साथ जाएंगे, यहां पर भी ऑल आर ट्रू के साथ जाएंगे। अगला सवाल, Which of the following statement is true? India has won the silver medal in World Youth Under 16 Chess Championship Olympiad at the Konya, Turkey. मान लिया ये भी सही है। उज्बेकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता है, चाइना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो तीनों ही अपने सही हैं। चीन ने कांस्य पदक जीता, उज्बेकिस्तान ने स्वर्ण पदक जीता, और भारत की बात करें भारत ने रजत पदक जीता, तो यहां पर भी ऑल आर ट्रू है। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि सारी पूरी की पूरी न्यूज आपको एमसीक्यू फॉर्म में मिल जाए, जिससे कि जब आप एमसीक्यू भी पढ़े ना तो आपके पास पूरी न्यूज हो, ये ना कि आधी पूरी न्यूज हो, पूरी की पूरी न्यूज हो, जिससे कि पूरे की पूरी रिवाइज हो जाए एमसीक्यू फॉर्म में भी। इसलिए मैंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहां पर फॉर्म किया। नेक्स्ट गाइस, अगर पसंद आए प्लीज लाइक जरूर करिएगा। अभी एनजीटी ने दिल्ली गवर्नमेंट पे कितने करोड़ का फाइन लगाया, तो वो याद रखना 25 करोड़ रुपए का यहां पर एनजीटी ने यहां पर फाइन लगाया दिल्ली गवर्नमेंट पे। अगला सवाल है कि उन व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ चाइना एटॉमिक आर्सेनल हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली? चीन के परमाणु शस्त्रागार के पिता का नाम क्या जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो अपना आंसर बनता है चैंग केजिया उनका नाम है। अगला सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करेगा, दिल्ली डेयर डेविल्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दिल्ली राइडर्स, दिल्ली सनराइजर्स, दिल्ली इंडियंस, दिल्ली चैलेंजर या दिल्ली कैपिटल्स? तो अपना आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 5, दिल्ली कैपिटल्स इसका नाम कर दिया गया है। अगला सवाल, इंडियन नेवी ने अभी 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया है, ये उसका कौन सा नेवी डे रहा? तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर बनेगा, 47th इंडियन नेवी डे यहां पर सेलिब्रेट किया गया है। गाइस नेक्स्ट, वर्ल्ड सॉयल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो सिंपल शब्दों में याद रखना 5th ऑफ दिसंबर को वर्ल्ड सॉयल डे हम मनाते हैं, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। किस शहर में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बिटवीन यूरोपियन यूनियन और इंडिया रही है कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए? तो अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, न्यू दिल्ली यहां पर वेन्यू रहा था। अगला सवाल, किस शहर में झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी और फिक्की ने संयुक्त तौर पर एक इंडस्ट्री एंगेजमेंट प्रोग्राम जिसका नाम एंगेज है उसको ऑर्गेनाइज किया है? तो अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, इसका भी वेन्यू नई दिल्ली रहा है। अगला सवाल, किस स्टेट गवर्नमेंट ने यहां पर कह सकते हैं कि पीट नामक एक प्रोग्राम लॉन्च करने की बात की जिसका उद्देश्य रहेगा ट्रांसपेरेंसी और अवेयरनेस लाना लोगों को जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है उसके रिगार्डिंग? तो आंसर बनता है यहां पर उड़ीसा, उड़ीसा राज्य सरकार इसको लॉन्च करने जा रहा है। नेक्स्ट गाइस, किसको यहां पर अपॉइंटेड किया गया सीईओ ऑफ द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन? सिंपल शब्दों में याद रखना है जॉन रिजॉन बने यहां पर एथलेटिक्स महासंघों के अंतर्राष्ट्रीय संघ के सीईओ। अगला सवाल, फोर्ब्स इंडिया एनुअल लिस्ट रही है जो हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज की, उसको टॉप किसने किया? तो यहां पर कह सकते हैं कि सलमान खान ने इसे टॉप किया है। अगला सवाल,
who will inaugurate the India's longest railroad bridge, Bogie Wheel Bridge, on 25th December. So guys, answer बनेगा अपने honorable जो Prime Minister हैं नरेंद्र मोदी, वो इसे inaugurate करेंगे. I hope so. यहाँ तक सारी चीज़ आपके clear होंगी. और guys, एक बात समझिएगा, इसके अलावा जितने भी MCQ हैं, चाहे repo rate related हो, monetary policy, चाहे satellite related हो, उसको मैं PDF में आपको दे दूँगा. कल starting में उसे discuss कर लेंगे. तो 15 MCQ यहाँ पर discuss करके 17 plus news करी, static किया. I hope so. आज आप लोग satisfied होंगे. अपना comment जरूर करिएगा अगर आपको session पसंद आए, and जितना share कर सकते हो उतना शेयर करिए. ऑल द बेस्ट, टेक केयर.